हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूबी है और आप देख रहे हैं रूब्स यूनिवर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन लोगों का फेवरेट चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बहुत ही अलग अलग तरीकों से बनता है। बिरयानी बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है ruby_singh। तो चलते हैं चिकन बिरयानी बनाने। पहले 750 ग्राम चिकन को साफ करके उसे दही में मैरिनेट करना है। दही आप अपने हिसाब और पसंद से ले सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 200 ग्राम दही डाली है। अब इसमें 2 स्पून फ्रेशली ग्राउंडेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून बिरयानी मसाला और 1 स्पून नमक डालकर अच्छे से इन सबको मिला लेंगे। मैरिनेट आप चाहे तो 3-4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब हम चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करके 2 बड़े प्याज लंबे लंबे कटे हुए फ्राई करने के लिए डाल दें। अभी हम प्याज को फ्राई करके अलग रख लेंगे, जो कि लास्ट में बिरयानी के टॉपिंग्स की तरह सर्व करेंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक उसे फ्राई करें और फिर उसे अलग से टिश्यू पेपर पर ठंडा होने के लिए निकाल कर रख लें। प्याज को इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा ब्रेड ना करें वरना ये जला टेस्ट देने लगेगा। बाहर निकालने के बाद ये थोड़ा और ब्राउन हो जाता है। अब बिरयानी बनाने के लिए एक मोटे बेस वाला कंटेनर मैंने यहाँ हांडी लिया है, उसमें तेल गरम करके उसमें 2 तेज पत्ते, 2 लाल मिर्च साबुत, थोड़ी दालचीनी, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी मिर्च, 2-3 लौंग की कलियां और 1 प्याज डालकर उसे अच्छे से मिला लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिलाकर प्याज के थोड़े ब्राउन होने तक चलाते रहें। अब इसमें मैरिनेट किया गया चिकन को मिला दें। मैरिनेट किए हुए चिकन को अच्छे से सारे साबुत मसालों के साथ मिलाकर थोड़ी देर के लिए ढक दें। बीच बीच में देखते रहें कि हमारा चिकन अच्छे से पक जाए। इसके लिए एक फोर्क को उसमें डाल कर देख सकते हैं। अगर चिकन में आसानी से घुस जाए मतलब हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब इसमें से आधे चिकन हम अलग कर लेंगे और इसमें पहले से बने हुए चावल की 1 लेयर लगा देंगे। बिरयानी राइस आप मार्केट में आराम से ले सकते हैं। बिरयानी की राइस बनाने की विधि मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं।
चावल के ऊपर से एक लेयर फ्राइड अनियन और धनिया पत्ता का डाल देंगे। अब फिर से उसके ऊपर से चिकन, चावल, फ्राइड अनियन और धनिया पत्ता का एक और लेयर लगा देंगे। इस तरह चावल में चिकन के मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। याद रखें कि चावल और चिकन इस समय लगभग 95% तैयार है और अब इन्हें धीमी आंच पर दम देना है। आप चाहें तो फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है ruby_singh। जब सब कुछ डाल लें तब इस पे ढक्कन लगा दें और हाँ, हमें अच्छे से सील करना है, जो कि हम करेंगे आटा यूज करके। इससे अंदर के मसालों का फ्लेवर स्टीम के साथ राइस में लॉक हो जाएगा और पूरी तरह पक भी जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे पूरी तरह से सील कर दिया है। अब इस हांडी को हम धीमी आंच पर तवे पे रख देंगे। लगभग 15 मिनट बाद आप इसे गैस से उतार कर 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। लगभग 20 से 25 मिनट बाद मैं इसे खोल रही हूँ। इसे खोलने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं हुए हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं। दोस्तों, ये चिकन बिरयानी आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। आई होप ये बिरयानी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। And do not forget to subscribe my channel.